मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत गंगा जी के साथ। आज हम गंगा जी में सुबह सुबह अपने बेटी के बाल विसर्जन करने आए हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको मुंडन किया था ना अपने लड़की का, तो उसके बाल हमने रख दिए थे। हमने कहा था गंगा जी में भी विसर्जन करेंगे, तो हमें कभी टाइम नहीं मिला, तो आज टाइम मिला है और तो आज गंगा जी में विसर्जित कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब मेरा पहली बार मुंडन हुआ था, जब मैं छोटा था, तो तब के बाल भी रखे हुए थे पापा जी ने, और उनको भी कभी विसर्जन करने का मौका नहीं मिला। तो आज मैं अपने अपने बेटी दोनों के बाल विसर्जन करने के लिए आया हूँ। देखो, बाप बाप और बेटी का दोनों के फर्स्ट मुंडन के बाल विसर्जन करने का वो हुआ है। वहाँ का देखो, ये है मेरे बाल, इतने छोटे से। ये देखो ब्राउन कलर के, ये है मेरे बाल। ये है मेरे बाल भाई, आज से 30 साल पहले के बाल। 30 है? तो झूठ। इसको इसको मैं इसको ये पे रहने पे बाबू, आप इसको मैं खुद भी विसर्जित करूंगा। आप नहीं, खुद ही नहीं करो, जब मैं करूंगी। चलो, नीलमा देवी करेगी भी मेरे बाल विसर्जित, और मैं अपनी बेटी के बाल विसर्जित करूंगा। गंगा जी में पानी पनीर डाल दो। और ये है मेरी बेटी के बाल, इनको मैं विसर्जित करूंगा। देखो, ये नीलमा देवी ने मेरे बाल विसर्जित कर दिया। बेटी जहो गंगा जी हर हर गंगे नमामि गंगे। चल, तो मेरे बाल धो। देखो, इतना टाइम इंतजार रहे। हाँ, पूरे समय मेरे इतने से बाल थे, मेरे समय बाल नहीं थे उस टाइम पे जब मैं पैदा हुआ था, बहुत कम बाल थे। इतने साल बाद मिला है बालों को विसर्जन करने का मौका। गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, आपको दिखाता हूँ अभी आपको। है श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है। गंगेश्वर महाराज का मंदिर है, यहाँ सारे भगवान स्थापित है। गणेश जी, शिव पार्वती, दुर्गा माता, काली माता, राधे कृष्ण, सारे भगवान। नंदी जी भी, शिव शिवलिंग भी है यहाँ। यहाँ पर महादेव की इतनी बड़ी मूर्ति है, देखो। और सामने गंगा माता विराजमान है ऋषिकेश में। यह गंगेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भाई गुन्नू को देखो, गुन्नू कहाँ जाना है बेटा? तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ से देहरादून निकलना है, फिर देहरादून के बाद फिर हल्द्वानी को आना है। पहले हमारा प्लान था कि हरिद्वार रुकेंगे, अब प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, तो अब हम डायरेक्ट हरिद्वार जा रहे हैं, डायरेक्ट हल्द्वानी जा रहे हैं। हम फिर से आ गए हैं त्रिवेणी घाट। रात को यहीं आए थे, फिर से हम यहीं आ गए। हमारे गुन्नू घूमने में लगी, देखो। अच्छा, यहाँ ऋषिकुंड है, कल आपको दिखा दी, यहीं देख लो। हाँ, तो हैदराबाद आ गए हम अपनी बहन के घर। अभी यहाँ से अपनी दो बहनों को और लेके हल्द्वानी को निकलते हैं। बस बहुत भागम भाग भागम भाग भागम भाग हो गई है। भागते हैं और निकलते हैं। गुन्नू को देखो, चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ये देखो, आज सीमा की और जमाई की शादी की सालगिरह है हमारे। ये जमाई कैंडल भाव सोई है। ये मानी को देखो हमारी। हेलो मानी, हेलो। ये देखो, केक कटिंग की तैयारी चलने होने लग गई है। तो
एक और काटना शाम को। छोटी बेबी दिखाओ। वाह हेलो छोटा बेबी, हेलो छोटा बेबी। अरे वाह खुश हो गया तो खुश हंसने लग गई मेरी आवाज सुनते ही। केक कटिंग सैली मैंने चलो तो फुक के मारो फूक दो। हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो बुझ नहीं रहे भाई। ओहो अरे ससुर जी कहाँ है। माने भी खिलाओ एक एक माने भी खिलाओ। चम्मच ले आती उसका हाथ पैक होगा अंदर। दोस्तों हरिद्वार पहुंच गए हम। अभी तुम दिखाते शंभु। ये देखो कितने बड़े शंभु है यहाँ पर। अभी पहुंच गए हम हरिद्वार अपनी गाड़ी पार्क करके। ये देखो मेरी सब बहनें। ये देखो तो दोस्तों फाइनली हरकी पर पहुंच गए हम। इस साइड भी घाट उस साइड भी घाट सब घाट ही घाट है। जय गंगा मैया की जय। इन बच्चों की टेक्निक नारियल निकालने की देखना। अभी और अभी अभी और दिखाऊंगा अभी। हाँ कोई नारियल आएगा तो देखना है बच्चा कैसे कैसे निकालेगा। ये मारेगा फंदा। ये टोकरी में रखी टोकरी। ये टोकरी से निकालेगा नारियल। कोई नारियल आया नहीं। ए नारियल मारा ने यार। नारियल उड़ता हुआ इसने भी निकाले। ये ओ भाई साहब मिस हो गया मिस हो गया। ओ ओ गजब इस भाई ने इस बच्चे ने निकाला यार। देखा टेक्निक इनकी नारियल निकालने की खतरनाक। ऐसे निकालते नारियल दोनों ने फिर फेंका। अरे फिर दिखाएगा तो प्रैक्टिस कर जाने क्या कर रहे। एक बच्चा वो खड़ा है एक बच्चा ये खड़ा है। अब दोनों देखना फेंकेंगे। इनमें कंपटीशन चल रहा था कौन निकालता करके। ये फेंका इसने और ये फिर निकाल लिया यार गजब। देखो ये क्या है शिव। अच्छा रुद्राक्ष। ओहो हर हर महाराज। को कैसी लगी है। लामा लम लामा लम। एक हाथ में जर्किन लेके एक उसकी मम्मी के हाथ में जर्किन एक मेरे हाथ में जर्किन। मुन्नो आप ये इसका क्या करोगे। पानी पानी भरोगे फिर क्या करो पानी का हैं। पानी का फिर क्या करोगे। ये देखिए गंगा मैया में सब पंडित लोग बैठे। वो देखो दो लोग
कैसे ध्यान लगाए बैठे हैं बीच गंगा जल में, ये मेरा ही है, बीच गंगा जल में कैसे लगाए बैठे हैं। नीलमा देवी वहाँ चले गई, ये गंगा माता का प्राचीन मंदिर यही है। पंडित जी को नींद आ गए यार, यहाँ बैठे बैठे सोए कहीं पीछे पीछे फर के गंगा मैया है तो अच्छा पानी पानी से पानी भरवा दे फुल भर के लाता है, कैसे भर के लाता है यह धर्म कुंड मुख्य मंदिर गंगा जी राजा भागीरथ जी का मंदिर है। ये हमारे गुंडू देखो कितना मजा है, गुंडू कितना मजा है, पानी में जाएगा ना, नहीं अंदर अंदर नहीं अंदर को मजा अंदर चढ़ाया है के तो भैया यहाँ पैसा खर्च करो सारी सुविधाएं है, बताओ गंगा जल भरने के लिए वो बच्चा वो वहाँ गया, वो बीच में यहाँ का फूल पत्ती करके क्या मैं वहाँ से भर के लाऊंगा, मैंने जा भाई वहीं से भर के ले आया। अभी चार चार डब्बे तो भर दिए हमने, अभी दो डब्बे और भर के ला गया कह रहा, और बोल रहा है भाई अगर इसको छोड़ गाड़ी तक छोड़ना है तो उसमें 100 रुपये लूँगा, गाड़ी तक भी छोड़ाऊँगा। बताओ भाई सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आओ हरिद्वार आओ और सारा सारा काम मिलेगा, बस हरिद्वार आना है आपको एक बार, आइए हमारे उत्तराखंड हरिद्वार, जय हो कृपा बहुत भैया। हेलो गाइस ये देखो ये लोग पानी लेके आ रहे हैं, चलो गंगा जल लेके आ रहे हैं, बाप रे चलो ठीक है गंगा जल, गंगा जी चलो चलो चलो।